हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी वेरिफिकेशन के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है आपके ट्विटर अकाउंट में, कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो और यहाँ पे लिखा रहा है पिक द डाइस पेयर विद सेम आइकन फेसिंग अप, ऐसा कुछ लिखा आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें तो आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। दरअसल बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी है कि जब हम डाइस को सिलेक्ट करें तो अगर एक्यूरेट को भी सिलेक्ट करें फिर से ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो रहा है और अगला डाइस वो बता दे रहे हैं और उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ट्विटर अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने ट्विटर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश अपने मोबाइल फ़ोन में करनी है, ना कि आपने पीसी में, क्योंकि अगर आप पीसी में कर रहे हो तो ये वेरिफिकेशन स्टेप है, जो मेथड है बहुत लंबा जा रहा है। तो एक बार मोबाइल में ट्राई करके देखिएगा, और जब भी ये मेथड आपको ट्राई करना है तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिख रही हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड डाइस की। तो आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसके यहाँ पर सरफेस पर जो ड्राइंग दिख रही है आपको वो सेम हो। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हो, यहाँ पर आइज़ दिख रही हैं, तो टू आइज़ हैं और आपको सिमिलर दिख रही होंगी, तो इनको सेलेक्ट करना है। दूसरे साइड एक एरो है और एक आइज़ है, अगर उस पर सेलेक्ट करोगे तो आपका रोंग हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बॉक्स दिखेंगे और उन पर डिफरेंट आइकन दिखेंगे, तो आपको वो बॉक्स सेलेक्ट करना है जिसमें सेम आपको पिक्चर दिखेगी, ड्राइंग दिखेगी। तो अगर आपको उसको सेलेक्ट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी दो तीन बार भी आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक आधा गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद दो तीन बार आपको एक्यूरेट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। होप करता हूँ कि आप इस मेथड को ट्राई करोगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।